हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स होते क्या हैं? दीज आर एल्कलाइन सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीट द एक्सेसेस ऑफ एसिड ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी और हाइपरक्लोरहाइड्रिया। बेसिकली होता क्या है, ये हमारे एल्कलाइन होते हैं, एसिड के अगेंस्ट वर्क करते हैं। क्या होते हैं हमारे, बेसिकली ये बेस होते हैं। बेस क्या करते हैं, ये हमारे ट्रीट करते हैं जब हमारी स्टमक में एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जो पेशेंट है वो सफ़र करता है किससे, हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है या फिर हाइपर क्लोरहाइड्रा वाली कंडीशन हो रही है। तब उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस का यूज़ करते हैं। बेस क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रल, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एसिड का अमाउंट हमारे स्टमक में कम हो जाता है। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमिक एंटासिड, सेकेंड वन इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होते हैं, विच आर एब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड मे कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आर कॉल्ड सिस्टमिक एंटासिड्स। बेसिकली क्या है, ये हमारे ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो हमारे जीआईटी से, ठीक है, क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से हमारे एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्ब होने के बाद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करते हैं, जो हमारे, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक एंटासिड्स। क्यों? क्योंकि हमारे ओरली आराम से सिस्टम में जाके वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स क्या होते हैं, ये हमारे ऐसे एंटासिड्स होते हैं जो हमारे गट से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और ना ही उसमें जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको भी इंटरप्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स। जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज बफर एंटासिड एंड सेकेंड वन इज नॉन बफर एंटासिड्स। बफर एंटासिड्स क्या होते हैं, ये हमारे जो पीएच है उसकी पीएच में एक तरीके का रेजिस्टेंस लाते हैं, लिमिट को बढ़ने नहीं देते हैं, न्यूट्रल से नीचे रखते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, बफर एंटासिड्स। नॉन बफर एंटासिड्स क्या होते हैं, ये हमारे एक तरीके से क्या करते हैं, जो पीएच होता है उसको आप कह सकते हैं इवेक्युएट करते हैं या फिर उसमें अल्टरेशन करते हैं, वो होते हैं हमारे नॉन बफर एंटासिड्स। बफर एंटासिड्स और नॉन बफर एंटासिड्स में ये डिफरेंस होता है, जैसे बफर होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पीएच को रेजिस्ट करते हैं, नॉन बफर क्या होते हैं, ये हमारे पीएच को रेजिस्ट नहीं करते हैं। दोनों का काम क्या होगा, बस पीएच में इंटरप्ट करना। ओके, ये हमारे पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं आने देगा, पर ये पीएच पे अल्टर करेगा, जो नॉन बफर एंटासिड्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एंटासिड्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहला ये नॉन एब्जॉर्बर होना चाहिए, ये हमारे एक तरीके का एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए हमारे स्टमक में जाके। दूसरा क्या है, बफर जो होनी चाहिए वो हमारी बफर रेंज क्या होनी चाहिए, 4 से 6 के बीच में होनी चाहिए। दूसरा, नॉट लिबरेट CO2, CO2 रिलीज ना करें। फिर नेक्स्ट है हमारा नॉट इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर ना करें। वाटर में इंसोल्यूबल हो, लेग्जेटिव ना हो, क्यों, और लास्ट वन है हमारा बहुत जल्दी इफेक्ट शो करे। लेग्जेटिव क्या होते हैं, ये हमारे बेसिकली एक तरीके के कैथरेटिक्स होते हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं। ओके, चलते हैं आगे इनकी ड्रग्स की तरफ। सबसे पहला कंपाउंड है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा NaSCO3। इसको, इसका सिनोनिम है सोडा बाइकार्ब। दूसरा, हम इसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। ओके, और इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 84.01। नेक्स्ट है, हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। हम जो इसकी प्रिपरेशन करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, वो बेसिकली दो लेवल पे करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा जो हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट जो है उसको वाटर में डिजोल्व करके पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। जब इसके साथ आप रिएक्ट करा देंगे सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ,
वाटर की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट में। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल में क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी अमोनिया है, अमोनिया गैस को हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, अमोनिया बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या है हमारा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। और जब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम क्या कराते हैं, किससे कराते हैं, सोडियम क्लोराइड से, तो ये अमोनियम क्लोराइड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये यहाँ पे सिंथेसाइज करता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। ओके, दो रिएक्शन हमने पढ़ी, सबसे पहली थी हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, दूसरी हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसमें क्या है, ये हमारा अमोनिया है, अमोनिया की रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कराई, तो आपको क्या बना, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब आप सोडियम क्लोराइड से करवाएंगे, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, इसका कलर कैसा है, कलरलेस है, ऑर्डर ऑर्डरलेस, टेस्ट क्या है, स्लाइटली सलाइन टेस्ट है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 851 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, और इसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो कैसी होगी, सॉलिबल होगा वाटर में। नेक्स्ट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी बेसिकली हमने यहाँ पे तीन केमिकल प्रॉपर्टीज रखी लिखी हैं। सबसे पहला क्या है, जब ये हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने जब सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन वाटर से करवाई, ठीक है, सॉरी, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब आप किसी का भी ब्रेक डाउन करते हैं, किसी की भी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होता है, वहां से आपका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलिसिस में आपका सोडियम और OH नेगेटिव आयन यहाँ से रिलीज हो गया। बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में इसका ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होके क्या होगा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, आपका सोडियम आयन ब्रेक हो गया, और इधर से आपका हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका, जब आपकी रिएक्शन, आप इसकी रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, और यहाँ से CO2 गैस हमारी रिलीज होगी, और वाटर हमको एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, जब आप इसको हीट करेंगे, आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से CO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके एसए की तरफ। जब हम इसका एसए करेंगे, तो एसए में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले 3 ग्राम लेंगे किसका, सोडियम बाई कार्बोनेट का। अब इसको आपने मिक्स कर दिया किसमें, 100 ml वाटर में। 3 ग्राम क्या लिया आपने, NaHCO3, और इसको ऐड कर दिया किसमें, 100 ml वाटर में। ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या किया, जब ये ऐड हो गया, आपने इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। अब इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके आप क्या करेंगे, इसे आप एक साइड रख देंगे। अब आप दूसरा क्या प्रिपेयर करेंगे, अब दूसरा प्रिपेयर करेंगे 1 normal HCl। जब आपने 1 normal HCl प्रिपेयर कर लिया, तो अब क्या करेंगे, ये जो आपका सॉल्यूशन बना था सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसको लेके इसमें से इसमें आप ऐड करेंगे मिथाइल रेड एज अ इंडिकेटर। तो मिथाइल रेड आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे किसके अगेंस्ट में, 1 normal hydrochloric एसिड के अगेंस्ट में। जब आप इसको इसके साथ ट्रीट कर टाइट्रेट करेंगे, टाइट्रेट करके क्या होगा, एंड में जो आपका सॉल्यूशन है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फेंटली पिंक कलर आएगा, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा आप इसका ऐसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस की तरफ। इसके यूजेस क्या है, सबसे पहला है ये हमारा यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर की तरह। एक तरीके से जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं। एंटी एसिड कैटेगरी का है, तो एंटी एसिड की तरह यूज होगा। नेक्स्ट क्या है, हम इसको आई ड्रॉप में यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम आई लोशन में भी यूज करते हैं, ईयर ड्रॉप में यूज करते हैं। ईयर ड्रॉप में यूज करते हैं हम इसलिए क्योंकि जो ईयर में वैक्स होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको डायरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है उसकी तरफ।
सेकेंड कंपाउंड है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है आपका AlOH का थ्राइस, और मॉलिकुलर वेट क्या है इसका 77.99। अब इसकी प्रिपरेशन देखते हैं, प्रिपरेशन क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे हमारा सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप पोटास एलम से करवाएंगे, बेसिकली आपने क्या किया, ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटाश एलम को आपने जब वाटर के साथ डिजोल्व किया, डिजोल्व करके क्या हुआ, ये आपका कन्वर्ट होगा किसमें, यहाँ पे आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बाय प्रोडक्ट में मिलेगा पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट आपके बाय प्रोडक्ट मिलेंगे, और गैस CO2 यहाँ से एज ए गैस लिबरेट हो जाएगी। ओके क्या किया है आपने, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट लिया और पोटाश एलम लिया, दोनों को मिक्स किया किसके साथ, वाटर के साथ डिजोल्व किया। डिजोल्व करने पे क्या होगा, आपको मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बाई प्रोडक्ट मिलेंगे किस किस के, पोटेशियम सल्फेट का और सोडियम सल्फेट का। नेक्स्ट चलते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, ये आपका वाइट विस्कस कलर का सस्पेंशन होगा। नेक्स्ट क्या है, बेसिकली अगर पाउडर फॉर्म में भी है तब भी हमारा व्हाइट कलर का होगा। ऑर्डर कैसा है इसका, ऑर्डरलेस है। टेस्ट क्या है, टेस्टलेस है, और जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो इसकी इनसॉल्युबल है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जब बेसिकली हम इसमें क्या करें, इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 में, एल्यूमिनियम क्लोराइड में। नेक्स्ट चलते हैं इसके यूजेस की तरफ, यूज कैसे हो रहा है। एंटी एसिड कैटेगरी का है तो एंटी एसिड की तरह यूज होगा ही, हाइपर एसिडिटी को यूज ट्रीट करने में यूज हो रहा है, स्किन प्रोटेक्टेंट एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट की तरह भी यूज हो रहा है। हमारी अगली ड्रग है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, इसमें क्या है हमारा ये MgOH का ट्वाइस, और इसका मॉलिकुलर वेट कितना है 58.32। प्रिपरेशन कैसे होगी, ये जो हमारा मैग्नीशियम आयन है इसकी रिएक्शन जब हम किसी भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। सिंपली हम कह सकते हैं आपने यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव लिया, अब इसकी रिएक्शन आपने 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH के साथ करा दी, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका MgOH का ट्वाइस प्लस Na2 पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये हमारा वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है और बेसिकली ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और इसका भी कोई ऑर्डर नहीं होता है, टेस्ट नहीं होता है। बेसिकली इसकी सारी कैटेगरी की ड्रग जो होंगी वो हमारी ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होंगी, और जो हम इसका यूज करते हैं किसकी तरह कर रहे हैं, एंटी एसिड की तरह, और हार्ट बर्न और कॉन्स्टिपेशन में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन एंटी एसिड प्रिपरेशन। कॉम्बिनेशन एंटी एसिड प्रिपरेशन क्या है, बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे एंटी एसिड्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं उनको, मतलब आप कह सकते हैं कि आप उनको एक आपके एंटी एसिड के अंदर सारी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, तो इसलिए क्या होता है हम उसको सिंगल नहीं देते, उसके साथ में हम दो या फिर तीन एंटी एसिड को मिक्स करके तब हम देते हैं, क्योंकि हमें उसमें पूरा का पूरा उसका एक्शन चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो हम सिंगल एंटी एसिड को यूज ना करके उसके साथ कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारा कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल पाउडर, इसमें क्या होता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होगा, उसमें चाल्क पाउडर ऐड होगा, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा और हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। सेकेंड हमारी कंपोजिशन है वो है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट मिक्सचर, इससे पहले क्या था मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल पाउडर, अब क्या है मिक्सचर, इसमें क्या होगा 5% वेट बाई वेट का मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होगा, जिसमें हमारा जितने भी हमारे कंपाउंड है वो क्या क्या कंटेन करेंगे, हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सॉल्युबल व्हीकल जो कि पिपरमेंट फ्लेवर जो होगा वो हमारा किसी भी सुटेबल व्हीकल में डिजोल्व करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे। ओके नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट टैबलेट, इसमें क्या होगा हमारा ये 250 mg की मैग्नीशियम सबसे पहले कंटेन करेगा 250 mg ऑफ मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट,
फिर 120 mg ऑफ ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और हम इसको ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर को. ओके, नेक्स्ट है हमारा एल्जिनिन एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर. क्या होगा, एल्जिनिक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और क्या बनाएगा, सोडियम एल्जिनेट और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा एल्जिकॉन टैबलेट. ये क्या है, ये हमारी च्यूएबल टैबलेट होंगी. इसमें क्या होगा, हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनको हम साथ में ड्राई करके जेल बना लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे मैग्नीशियम एल्जिनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट को. ये हमारी कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी है, जो या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड है, जिनको हम एसिडिटी के अगेंस्ट यूज करते हैं. जब किसी को ज्यादा एसिडिटी होने लगती है उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे एंटासिड्स हैं उनको हम सिंगल वे में यूज नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट चलते हैं हमारे कैथरेटिक्स की तरफ. कैथरेटिक्स क्या होते हैं, ये हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, फिर कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने में हमें हेल्प करती हैं, वो होती हैं हमारी कैथरेटिक्स. ये हमारी लग्जेटिव भी होती हैं, पर्गेटिव भी होती हैं, दो टाइप से होती हैं. लग्जेटिव क्या होते हैं, ये हमारे आप बोल सकते हैं माइल्ड कैथरेटिक्स होते हैं, जो पर्गेटिव्स होते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग कैथरेटिक्स होते हैं. अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारे कैथरेटिक्स हैं वो चार टाइप के होते हैं. सबसे पहला है स्टिमुलेंट कैथरेटिक्स. ये क्या करता है, ये हमारा लोकल इरिटेशन या फिर जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे पेरिस्टाइल्टिक जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करके क्या करता है, यहाँ से बाउल को रिलीज करवाता है. और इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे कास्केरा या फिर कैस्टर ऑयल. क्या करेगा, ये हमारा लोकल इरिटेशन की तरह यूज करेगा. या फिर आप कह सकते हैं कि जब हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक है वहां पे क्या हो रहा है, जब बाउल मूवमेंट रुकता है तो वहां पे क्या होता है, जो उसके पेरिस्टाइल्टल मूवमेंट है, मान लीजिए ये आपकी कोई इंटेस्टाइन है, ठीक है. अब इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो जो फिकल मेटल होता है वो यहाँ पे रुक जाता है. जब रुकने लगता है, रुकता क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे पेरिस्टाइल्टल मूवमेंट है, जो आपकी इंटेस्टाइनल की मूवमेंट है वो रुक गई है, वो सही से उसमें मूव नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम आई है. तो ये क्या करेंगे, जो स्टिमुलेंट कैथरेटिक्स हो गई, ये इसके मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे. जब इसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, इंटेस्टाइनल एक्टिविटी को, तो जिसकी वजह से क्या होगा, बाउल का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा. इसकी तरह वर्क करते हैं हमारे स्टिमुलेंट कैथरेटिक्स. सेकेंड आते हैं हमारे इम्लेंट या फिर लुब्रिकेंट. अभी इससे पहले वाले क्या कर रहे थे, ये बाउल को पेरिस्टाइल्टल मूवमेंट इंटेस्टाइन को के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे. अब ये जो दूसरे वाले हैं, जो हमारे इम्लेंट हैं, ये क्या करेंगे, ये स्टूल को सॉफ्ट करेंगे, जो हमारी फीकल मेटल है उसको सॉफ्ट करके तब वहां से रिलीज करने का काम करते हैं. इसमें आते हैं हमारे मिनरल ऑयल. नेक्स्ट है हमारे बल्क फॉर्मिंग. ये क्या करेंगे, ये हमारे सॉयल करते हैं, ये सॉयल कर जाएंगे जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाके वहां पे क्या हुआ, वहां पे स्वेल करके, अब स्वेल करके क्या कर रहे हैं, वहां पे ये पेरिस्टाइल्टल मूवमेंट को स्टिमुलेट करेगा, पेरिस्टाइल्टल मूवमेंट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे आराम से उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा और जो बाउल है उसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल है इसबगोल. नेक्स्ट है हमारा सलाइन कैथरेटिक्स. ये कैसे एक्ट करेगा, ये हमारे ऑस्मोटिक लोड की, जो हमारा जीआईटी है उसमें ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज कर देगा, जिसकी जिसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक लोड इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, जो आप कह सकते हैं कि जो वाटर है या फिर वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है, वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा हो जाएगा. जब वाटर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे पेरिस्टाइल्टिक स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से बाउल आराम से वहां से रिलीज हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट. इसके कुछ कंपाउंड हैं, सबसे पहला है मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट का हमारा फॉर्मूला क्या है, MgSO4 into 7H2O. इसका मॉलिकुलर वेट है 246.5. और जो इसकी प्रिपरेशन है वो क्या हो रही है, सबसे पहले क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम सल्फेट के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, MgSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सबसे पहले क्या है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी, MgSO4 की. तो MgSO4 की प्रिपरेशन किससे हो रही है, अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दें इसके साथ सल्फेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा
Mg. Sorry, MgSO4. यहाँ से क्या लिब्रेट होगा? टू एस टू. नेक्स्ट है सेकेंड वन है. इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर है, उसको लेके रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी हमारा कन्वर्ट होगा MgSO4 में. अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हो रही है ये? पहला है इसका ऑर्डर ऑर्डरलेस होगा. टेस्ट इसका सलाइन होगा, बिटर होगा, मतलब नमकीन और कुछ कड़वा टेस्ट होगा. वाटर में इंसॉल्युबल होगा. और इसका जो यूज़ है वो क्या है? सबसे पहले ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है बाउल मूवमेंट को, ठीक है. बेसिकली कॉन्स्टिपेशन रिलीज करने में हेल्प कर रहा है. ट्रीट कर रहा है जो हमारे कई पेशेंट होते हैं जिनका रीनल फंक्शन जो होता है वो इम्पेयर्ड होता है. बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उनको किडनी से रिलेटेड डिजीज है, तब हम इसको उसको ट्रीट करने में इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट. सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट का हमारा फॉर्मूला क्या है? Na2HPO4 × 12S2O. और जो इसका मॉलिकुलर वेट है वो है हमारा 358.14. देखते हैं इसकी प्रिपरेशन. सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, इसकी सिंथेसिस हम क्या किससे करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? फॉस्फोरिक एसिड ले रहे हैं. क्या हमारा फॉस्फोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर हम इसमें डिसॉल्व कर रहे हैं किसको? सोडियम कार्बोनेट को. जब सोडियम कार्बोनेट आपने इसमें डिसॉल्व किया तो क्या होगा? यहाँ पे आपको मिलेगा सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट प्लस वाटर प्लस CO2 यहाँ से लिबरेट हो जाएगा. नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टी क्या होगी? ये कलरलेस होगा, टेस्ट इसका सलाइन होगा, ऑर्डरलेस होगा. और ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस है. और क्या होगा जब आप सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट को जब आप हीट करेंगे 300 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या होगा? सोडियम पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट है सलाइन लग्जेटिव की तरह यूज होगा और बफरिंग एजेंट की तरह यूज होगा. नेक्स्ट है हमारा काओलिन. काओलिन क्या होगा? सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं. बेसिकली ये हमारा क्या होता है? नेचुरल किले भी बोली जाती है. और ये हम बोल सकते हैं कि हम इसको या तो जैसे मिट्टी हमको मिलती है ना, सब लोगों ने मुल्तानी मिट्टी देखी होगी, इसी टाइप से इसके भी हमको मोटे मोटे पीसेस मिलते हैं. हम क्या कर रहे हैं इसको, फिर हम जो हमारा इलेक्ट्रिकल सेडिमेंटेशन रेट मेथड होता है उससे क्या करेंगे, हम इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर क्या करेंगे, हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे. इस मेथड से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं. इसको ये हमको बेसिकली नेचुरल सोर्स से मिल रही है. इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसका कलर कैसा होगा? व्हाइट पाउडर, ऑर्डर ऑर्डरलेस है, टेस्ट टेस्टलेस है. और जो आप बोल सकते हैं इसमें कई बार क्या होता है, ग्रीसी और सोपी टच आता है जब आप इसको कहीं से भी लेके आते हैं. यूज किस में होती है? डाइसेंट्री में यूज हो रही है, डायरिया की कंडीशन में. डाइसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, कई बार फूड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, काफी सारी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में भी हम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा बेंटोनाइट. बेंटोनाइट क्या होता है? ये भी हमको नेचुरली ही मिलता है. इसमें हमारा पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, काफी सारे हमको मिनरल्स मिलते हैं. इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी? बहुत ज्यादा फाइन होगा, पेल येलो कलर का होगा, ऑर्डरलेस होगा,
और स्लाइटली अर्थी, जैसे मिट्टी का टेस्ट होता है, इस टाइप से कुछ इसका टेस्ट होगा और इनसॉल्युबल होगा वाटर में। बेसिकली हम इसको यूज करते हैं इमल्सीफायर की तरह, किसमें जब हम वाटर और ऑयल को मिक्स करने वाली कंडीशन लाते हैं तो वहाँ पे हम बेंटोनेट को यूज करते हैं। और हम इसको यूज कर सकते हैं ऑइंटमेंट में, प्लास्टर्स में पेस्ट की तरह यूज करते हैं। और ये हमारा कैलिमाइन लोशन का भी एक इंग्रेडिएंट होता है, जो क्या करता है, एक तरीके से प्रोटेक्शन लेयर बना लेता है, प्रोटेक्टिव की तरह उसमें यूज करता है। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीमाइक्रोबियल्स एजेंट पढ़ेंगे, इस यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।